कल से क्लास में स्कार्फ मत पहन के आना। क्या ना बनो? मम्मी मत बनो, मम्मी की तरह स्कार्फ पहन रखा है तुम। मम्मी की तरह स्कार्फ पहन के आती हो, मम्मी मत बनो। और भी कुछ कहा था टीचर ने? और बच्चों को उतरवाया था? हाँ, दो लड़की और थी, उनका उतरवाया था। हिजाब मामले की आंच। अब लगातार पूरे देश से इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि हिजाब पर स्कूलों में आपत्ति जताई जा रही है और बच्चियों से हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा ही मामला देश की राजधानी के एक मुस्तफाबाद इलाके में सामने आया। अदीबा नाम की सिक्स क्लास की ये बच्ची जब स्कूल में स्कार्फ लगा करके पहुंची, हिजाब लगा करके पहुंची, तो स्कूल के एक टीचर ने इनसे ये कहा कि आप अम्मा बनने की कोशिश ना करें। और इसके साथ कई और बच्चियों के हिजाब उतरवा दिए। बच्ची ने जब घबरा कर शिकायत की, मामला गर्मा गया। पहले इस बच्ची की बात सुनिए। कल से क्लास में स्कार्फ मत पहन के आना। क्या ना बनो? मम्मी मत बनो, मम्मी की तरह स्कार्फ पहन रखा है तुम। मम्मी की तरह स्कार्फ पहन के आती हो, मम्मी मत बनो। और भी कुछ कहा था टीचर ने? और बच्चों को उतरवाया था? हाँ, दो लड़की और थी, उनका उतरवाया था। तो देखा आपने जिस तरह से बच्ची बहुत ही डरे सहमे अंदाज में अपनी बात कह रही है। एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। और जब घर जा कर के हमारे संवाददाता वाजिद ने घर वालों से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, तो घर वालों ने भी बात करने से इनकार कर दिया। घर वाले भी कहीं ना कहीं दबाव में हैं और खुलकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। पड़ोसियों से बात हुई, पड़ोसी ज़रूर इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरासर जो है मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और इस मामले में दिल्ली सरकार को ये चाहिए कि उस टीचर के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिसने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक में जिस तरह से विवाद चल रहा है, कोर्ट में लगातार सुनवाई के बाद, 11 दिन सुनवाई के बाद फैसले को डिजर्व रख लिया है और उम्मीद की जा रही है कि मंडे ट्यूसडे में इसका फैसला सुनाया जाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट के ज़रिए। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। लेकिन उसके बावजूद देश के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का विरोध ज़रूर देखने में आ रहा है। इस मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया है और ये कहा है कि तमाम मजाहिब को अपने हिसाब से चलने की इजाज़त है। अगर स्कूल में इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी, उन्होंने ये कहा है कि उसकी जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनिए ये बात। उसमें पहले से कल बताया भी था कि एक अच्छा, दिल्ली में सारे स्कूल्स में दिल्ली के सारे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था चल रही है। अब उसको लेके कुछ कुछ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ अच्छे से सारी बच्चियाँ, हर धर्म हर जाति की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, डिग्निटी है और सबको कहीं कोई हमारी तरफ से कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सबके परंपराओं का सम्मान करते हुए होता है। और जो मैंने भी पूछा इसके बाद कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है, कहीं किसी एक केस में कहीं प्रॉब्लम हुई और उसको किसी टीचर ने कुछ बोला, वो बहुत उस तरह का है। सरकार की ओर से हमारे स्कूल सिस्टम, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत केयर करके एक एक बच्चे को अपनी तरफ से हम लोग कदर करते हैं। तो देखा आपने जिस तरह से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं काफ़ी सुर्खियों में आया उस वक्त जब इस पर तरह तरह की आपत्ति लोगों के जरिए जताई गई, इस पर बात की गई और हंगामा भी इसको लेकर के कल से चल रहा है और लोग इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं मुस्तफाबाद में रहती हूँ। तो ये कर्नाटक से जो शुरू हुआ है हिजाब वाला ये मसला स्कूल से, तो वो अभी मैंने वीडियो देखी थी, ये मुस्तफाबाद में भी हमारे ये शुरू हुआ है स्कूल में। ये एक बच्ची है, उससे कहा जा रहा है कि तुम अम्मा बन के क्यों आती हो स्कूल के अंदर। तो ये मतलब दिल्ली सरकार क्या चाहती, हमारे मुस्तफाबाद के अंदर तक ये चीज़ दिल्ली के अंदर तक आ चुकी है और ये सही है मुसलमानों के साथ में करना। मेरी कल को मेरी भी दो बेटियाँ हैं, वो भी पहन के जाएंगी, तो वो हमारे साथ में सही है ये सब हो रहा है। तो मैं इसलिए दिल्ली सरकार से बात करना चाह रही थी कि मतलब क्या है ये, क्यों करा जा रहा है। तो स्कूलों में इस तरीके से अगर यहाँ भी शुरुआत हो जाता है सारे स्कूलों में, तो कितनी परेशानी होगी और बच्चों के जो जहन है उस पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, इसका तो गलत ही असर पड़ रहा है ना। ये तो मतलब दिल्ली में ये सब चीज़ हो रही है, यहाँ तो पहले ही हो चुका है इतना सब कुछ, अब ये हिजाब के ऊपर करा जा रहा है मुस्तफाबाद में कि अम्मा बन के क्यों आ रही हो।
ऐसे मतलब क्यों करा जा रहा है, मेरी भी दो बेटियां हैं, तो कल को उनके साथ भी यही दिक्कत आने लग जाए, तो मेरे साथ कल को होने लग जाए, तो हम तो ये नहीं करें मतलब चाहेंगे ना कि ऐसा कुछ हो। ये तो हमारी मर्जी है, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को स्कूल के खिलाफ? स्कूल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, वहाँ पे बात करनी चाहिए, वहाँ के जो स्कूल टीचर हैं उनसे बात करनी चाहिए, या जो है क्या मतलब ये क्या तरीका है क्या बच्चियों के साथ में करने का? यहाँ के जो नुमाइंदे हैं चुने हुए, उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, लेकिन उनको भी देखना चाहिए, यहाँ मुस्तफाबाद की बेटी है, वो कल को उनकी बेटियों के साथ में ऐसे होने लग जाए तब एक्शन नहीं लेंगे क्या? उनको एक्शन लेना चाहिए, किसी ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। मैंने तो खुद से वीडियो देखी है तब मैं बोल रही हूँ, लेकिन दिल्ली सरकार को देखना चाहिए ये क्या हो रहा है यहाँ। क्या लगता है आपको, क्या मानती हैं कि स्कूलों में भी अब इस तरीके की सियासत शुरू हो गई है बच्चों के साथ? जी जी, पहले से हिजाब पहन करके जाती रही है? नहीं नहीं, ये अभी से हो रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं है, पहले से तो कुछ ऐसा था ही नहीं है, तो अभी से जब से कर्नाटक से हुआ है उसके बाद से ही मैंने सुना है। पहले हम भी थे, हम भी स्कूल जाते थे, हमारे साथ में कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आई, तो ये तो अभी देखने को मिल रहा है। कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, उनके साथ में भी ये होगी, तो बच्चे क्या सीखेंगे इससे? मामला रहा ये वीडियो का, बात है वीडियो का, कल सर मैंने जैसे मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे एक वीडियो वायरल हो रही है हिजाब को लेकर। मैंने कहा हिजाब को लेकर, अभी तो कर्नाटक है केरला जहाँ का जो अभी जो हिजाब का मामला हुआ था, मैंने कहा अब हमारी दिल्ली में भी, दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी ऐसे मामले होने लगे। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पहनावा और पर्दा, जिसको हम हिजाब भी कहते हैं, कुछ कम्युनिटी में पल्लू कह देते हैं, कुछ में हिजाब कह देते हैं, किसी में पर्दा कह देते हैं, तो ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का एक रूप है जिसको पर्दा कहा जाता है, और बेटियां पर्दों में ही अच्छी लगती हैं। और अगर इस मामले को तूल देकर हिजाब, मैंने सुना कि उस स्कूल जो मुस्तफाबाद विधानसभा के तुखमीरपुर खड्डे वाला नाम से मशहूर है वो स्कूल, और उस लड़की का नाम अदीबा है, वो ई सेक्शन 6 क्लास की बेटी है, उसके फादर का नाम अय्यूब गौरी है, वो 23 नंबर पर न्यू मुस्तफाबाद में रहते। कल मैंने उनकी डिटेल निकाली और उसके बाद में तो उस बच्ची से कहा जा रहा है कि अम्मी बनकर मत आओ, अपनी अम्मी बनकर मत आओ। अरे यार बच्ची से तुम किस तरह की लैंग्वेज और किस तरह की मतलब उससे मतलब पेश आ रहे हैं आप? बच्चियां हैं, बच्चियां अगर बच्चियां पर्दे में नहीं रहेंगी, अब सब ये हमारे देश का, हमारे देश की संस्कृति है, प्लस इसी का हमारे को हर नागरिक हमारे देश में आज़ाद है, किसी कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, किसी पर कोई आपत्ति नहीं है। तो बच्चियों को, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के होने के नाते पर शायद उसको छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं पहले भी कोई शिकायतें मिली हैं इस तरह की? नहीं, मैं आपको बताऊं, शिकायतें तो मिली हैं, लेकिन क्या है वही वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। मेरे को पहले भी, क्योंकि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट चलाता हूं, तो मेरे पास पहले भी खबरें आईं, लेकिन जब मैंने जिन्होंने खबर मुझे दी और मैंने उनको कन्विंस किया तो वही पीछे हट गए, तो वो पीछे हट गए तो फिर मैं क्या करता। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकीला।